देखिए तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, 1 महीने के प्रयास और 5 घंटे की बैठक के बाद क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अगली बैठक कहाँ होगी, इसका डेट क्या होगा, इतना ही तो निकला। बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा, कहाँ बने कन्वीनर। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई अपनी वचनबद्धता प्रकट नहीं की। इसलिए जो एक दो राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, दिल्ली और पंजाब के, वो लोग शामिल नहीं हुए। तो क्या जल्दबाजी थी जाने की भी? वो तो सुबह से धमकी दे रहे थे, परसों भी पत्र लिखा उन्होंने। तो यह बैठक तो विफल होगी कि आम आदमी पार्टी जो इसमें, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और वो वॉकआउट कर गए, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनके मुद्दे पर वहाँ जो चर्चा होकर सहमति बननी चाहिए थी, वो सहमति नहीं बनी। इससे बड़ी विफलता और क्या होगी? एजेंडा के बारे में क्या हुआ? केवल बनेगा, कौन होगा कन्वेनर, कौन उसको बनाएगा, कोई कमेटी बनी क्या, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी क्या? कुछ नहीं निकला। इतनी चीज़ के लिए तो आने की जरूरत क्या थी? मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये तो ठीक है कि विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या अभी तो बंगाल का चुनाव है और वहाँ जिस तरह की हिंसा हो रही है, तो क्या पंचायत के चुनाव में कांग्रेस, CPM और ममता बनर्जी मिलकर चुनाव लड़ेंगी? क्या क्यों नहीं आश्वासन दिया ममता बनर्जी ने इस मीटिंग के अंदर कि 9 जुलाई को जो पंचायत का चुनाव, उसको मिलकर लड़ेंगे? तो देखिए, सीट शेयरिंग पर कहाँ चर्चा हुई? ये तो एक इंटेंट, एक इच्छा व्यक्त की गई कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इतना ही तो प्रकट हुआ। इसलिए मैंने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसमें से कुछ नहीं निकला। लेकिन ममता बनर्जी तो साफ साफ कहा कि ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं ये लोग इतिहास को बदल देंगे, ये लोग महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। विषय वो नहीं ना, इतिहास, महंगाई और ये मुद्दा नहीं ना। मुद्दा तो था सीट शेयरिंग का, मुद्दा था कि नेता कौन होगा, उस पर क्या चर्चा हुई? आखिर क्या देश की जनता नहीं जानना चाहेगी कि नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कौन होंगे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले? तो न तो नेता के बारे में कोई चर्चा हुई, न ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कोई सहमति बनी, न तो नहीं कोई कन्वेनर तय हुआ, नहीं जो एजेंडे के लिए कोई कमेटी बनी, नहीं कोऑर्डिनेशन के लिए कोई कमेटी बनी। इतना ही था कि अगला डेट एक तय हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे, तो इतना ही तो हुआ। इस बैठक में से तो निकला क्या? ये बैठक तो टाइम फिक्स हो गई, इसमें से तो कुछ नहीं निकला जो है। लेकिन उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग एक साथ हैं और हम सीट शेयरिंग का भी कर लेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, पहली बैठक हुई है, और पहली बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ मिलकर लड़ेंगे ये तो पहले से बाहर भी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल तो कि यूपी के अंदर क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीट छोड़ेंगे? सवाल तो ये है ना। देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी विपक्षी एकता का मतलब यह है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमकी हमारी मदद करे, यानी बंगाल में कांग्रेस चुनाव न लड़े, वो हमारी मदद करे। यूपी के अंदर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उनकी मदद करे। दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उनकी मदद करे। तो यहाँ तो विपक्षी एकता का मतलब है कि कांग्रेस जो है वो सिकुड़ती जाए, कांग्रेस कहीं चुनाव न लड़े और केवल क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर, मान लीजिए कि आज जो सहमति बनी कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ते हैं 2024 में, तो आप परिणाम क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी क्या, इसके पहले भी तो यूपी के अंदर मिलकर चुनाव लड़े थे ना, तो क्या परिणाम निकला? एक बात और, RLD जो है वो इस बैठक में शामिल ही नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है RLD, और 6 दल हैं जो कि शामिल ही नहीं हुए। यानी 6 दल हैं, चाहे वो बीजू जनता दल हो, KCR, ऐसे 6 दल हैं जो विपक्ष में, जो इसमें शामिल नहीं हुए। और इस बैठक में 10 दल ऐसे हैं जो वंशवादी पार्टियां हैं, और 12 दल ऐसे शामिल हुए जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। 3 दल ऐसे हैं जिनके 0 MP लोकसभा में, लंबी लंबी बात कर रहे हैं। 3 दल है जिनके 0 MP लोकसभा में। 2 दल है जिनका केवल 1-1 MP लोकसभा में। 2 दल है जिसके 3 और 1 के केवल 2 है। तो कुल मिलाकर 11 दल ऐसे हैं इस बैठक में, 4 दलों को छोड़ दे 15 दल शामिल है, तो 11 दल ऐसे हैं जिनकी कुल सदस्यों की संख्या 24 है, और लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देख लेंगे, पछाड़ देंगे, पटक देंगे। तो बोलने में क्या लगता है? अरे, इस बैठक से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री का कौन दावेदारों का नाम तय करेंगे। नीतीश जी को तो बड़ी उम्मीद थी कि उनका नाम कन्वेनर के रूप में घोषित किया जाएगा, लेकिन कहाँ उनका नाम कन्वेनर के रूप में घोषित किया गया। इसलिए चाहे वो मैनिफेस्टो की बात हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो, 1:1 सीट शेयरिंग की बात हो,
केवल अच्छी अच्छी गुड्डी गुड्डी बातें, गोल मटोल बातें, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर हरा देंगे नरेंद्र मोदी को, अगली बैठक का डेट तय हो गया, फिर अगली बैठक फिर एक और डेट तय हो जाएगा। यानी इस तरह की विपक्षी एकता की बैठकों से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, पड़ने वाला है। आज देश और दुनिया नरेंद्र मोदी को अमेरिकी संसद में बोलते हुए देख रही है, और यहाँ पर जो फ्यूज लोग हैं, जो बुझे हुए लोग हैं, उनको बोलते हुए पटना के अंदर देख रहे हैं। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।